A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to the Maxa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस एमसीक्यूज को और साइंस एमसीक्यूज के थ्रू हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को. सो आपके कुछ जो सेट्स होंगे, आपको आने वाले 3-4 सेट्स जो होंगे वो आपको UPPCS 2021 में पूछे गए साइंस के सवालों के बारे में होंगे. तो UPPCS 2021 में जो सवाल पूछे गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से, हमने उन सवालों को पिक किया है आप ही लोगों की डिमांड पर. आप में से बहुत सारे UPPCS वाले स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो इसलिए हम उन सवालों को डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. अगर आपका कोई सजेशन है आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं. अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है तो उसके बारे में भी आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल करके बता सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. क्विक रिप्लाइज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना चाहते हो तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे अलॉन्ग विद PDF. इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है. इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन जो होता है एलिमेंट एज ए नाइट्रोजन एज एन एलिमेंटल फॉर्म किसका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है. ये सारे के सारे जो है मॉलिक्यूल्स है, क्लोरोफिल, DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट, इन सब मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन उसकी कॉम्पोजिशन में नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है. जब स्ट्रक्चर बनता है ना किसी भी एटम का, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करूँ तो वाटर क्या है, H2O, हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम, तब जाके बनता है वाटर. तो सिमिलरली इसी तरीके से क्लोरोफिल का एक स्ट्रक्चर है, RNA का स्ट्रक्चर है, DNA का स्ट्रक्चर है और कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक स्ट्रक्चर है. तो पूछा जा रहा है नाइट्रोजन किसमें नहीं है. आसान सवाल है, NCERT का सवाल है. आसान उनके लिए जो बेसिक NCERT किताबों को पढ़ते हैं. बताएं, क्लोरोफिल है, RNA है, DNA, कार्बोहाइड्रेट है. देखिए आसान इसलिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ही है इसका सही जवाब. और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा C6 H12 O6 क्या है, ये ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, राइट. तो ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है. तो आप देखेंगे इसमें नाइट्रोजन कहीं पे भी नहीं है. क्लोरोफिल का हो सकता है आपको स्ट्रक्चर ना पता हो, DNA का क्या होता है, RNA का क्या होता है ये शायद आपको ना पता हो, बट आपको कार्बोहाइड्रेट का पता है ना. तो अगर आपको कार्बोहाइड्रेट भी पता है तो उन्होंने पूछा था नाइट्रोजन किस में नहीं है, तो आपको यही बताना है कि नाइट्रोजन किस में नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट में नहीं है. सो यू विल गेट टू नो द राइट आंसर. आंसर में आप एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, देखिए ये कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर है. कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं उसी तरीके से अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. ये देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है. तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है. सिमिलरली अगर आप RNA और DNA का देखेंगे स्ट्रक्चर तो देखिए इसके अंदर जो ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, यहाँ पे थायमिन होता है. मैंने आपको ये भी बताया था अगर आपको DNA के असेंशियल जो अमाइनो एसिड्स के जो याद करना है तो आपको ऐसे करेंगे, डबल स्टैंडर्ड शुगर फॉस्फेट बॉन्ड होगा इसके अंदर. तो कैसे आप याद करेंगे, आया था चला गया. तो एडेनिन जो होगा वो किसके साथ कंबाइन होता है, थायमिन के साथ. साइटोसिन जो होता है गुआनिन के साथ कंबाइन होता है. सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया था कि RNA के केस में जो थायमिन होता है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, यूरासिल से. तो थायमिन को रिप्लेस कर देता है यूरासिल. तो RNA का स्ट्रक्चर क्या होगा, AU and CG. AU आया था, T की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा यूरासिल. तो ये भी मैंने आपको बताया था. इससे भी इस टॉपिक से भी सवाल आ जाता है. तो इसमें इसका सही जवाब क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स. आसान सवाल. सेकंड जो है आपको क्वेश्चन में दिया पूछा जा रहा है कि बिलो दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं रीजन और अजर्शन के फॉर्म में. आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन ठीक है, कौन किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये बताना है आपको. रीजन अजर्शन टाइप क्वेश्चन. रीजन अजर्शन टाइप क्वेश्चन जो है UPSC काफ़ी पहले पूछा करता था, काफ़ी पहले इन द सेंस 5-6 साल पहले पूछा करता था, 7-8 साल पहले. अब जो है लाइक इफ आई एम फ्रॉम 2013 बैच तो मेरे टाइम पे पूछा करता था, 2013-14-12 इसमें पूछा करता था रीजन अजर्शन टाइप क्वेश्चन. अभी UPSC रीजन अजर्शन टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन UPPCS रीजन अजर्शन टाइप क्वेश्चन पूछता है. तो अजर्शन में क्या था, अजर्शन में था ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेज ऑल द वाइटामिन्स रिक्वायर्ड बाय इट. तो ह्यूमन बॉडी को में सिंथेसाइज करने के लिए जितने भी वाइटामिन्स हैं हमें चाहिए होते हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है. ये है पहला अजर्शन. रीजन दिया गया है कि वाइटामिन्स आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी. असर्शन था कि भाई हमारी बॉडी जो है खुद से सारे के सारे विटामिन्स को फॉर्म कर लेती है. कारण बताया गया क्योंकि हमें बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए विटामिन्स की ज़रूरत है, तो इसलिए हमारी बॉडी ऐसा करती है. तो इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों गलत हैं. अगर सही हैं तो कौन किसका एक्सप्लेनेशन है. तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
वाइटामिन एसेंशन है ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं करती सारे वाइटामिन, हमें बाहर से खाने पड़ते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं दो तरीके के वाइटामिन है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो अगर हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती जिसको ये भी नहीं, तो हमें बाहर से वाइटामिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ऐसा नहीं होता, हमारी बॉडी में वाइटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम देखते हैं कि वाइटामिन ए किस में है, वाइटामिन बी किस में है, सी किस में, हमें वो वाले फूड खाने पड़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, ए इज़ फॉल्स है और बी इज़ ट्रू। तो इसका सही जवाब बनता है डी। तो ये आप एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। अगर हम नॉर्मल विजन की बात करते हैं, हमें सही सही से दिखाई दे, तो उसके लिए हमें किस वाइटामिन की ज़रूरत पड़ती है, ये है अगला सवाल। फॉलिक एसिड की, राइबोफ्लेविन की, नियासिन की या रेटिनॉल की। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो वाइटामिन वाला जब चैप्टर आया था एनसीईआरटी में तो मैंने आपको बहुत एम्फेसिस दे के 5 स्टार उसको लगाया था। तो 5 स्टार जब मैंने उसको लगाया था तो मैंने आपको बोला था कि अगर 5 स्टार लगा हुआ है इसमें तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको इसको अच्छे से रट लेना है। तो मैंने आपको बताया था आपको वाइटामिन का नाम पता होना चाहिए, मतलब अगर वाइटामिन ए है तो उसका क्या नाम है, B1 है तो उसका क्या नाम है, B2 है, B3 है, B9 है, उन सबके नाम रट लेने हैं आपको। उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेज़ कौन सी है ये रट लेनी है आपको। और फोर्थ चीज़ क्या रटनी है आपको, उनका सोर्स क्या है। 4 चीज़ें मैंने आपको वाइटामिन्स में रटने के लिए बोली थी, अगेन एंड अगेन मैंने बार बार वही बोली थी आपको, और मैंने आपको चार्ट्स दिए थे। तो जिन लोगों ने भी वो नहीं देखा है उनके लिए मैं दोबारा से चार्ट्स दूंगी आपको, इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो वाइटामिन में के क्वेश्चन में आप उसी को उसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है डी, रेटिनॉल। वाइटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, राइट। ये चार्ट देखिए, इसमें सारे वाइटामिन हैं उसके नाम दिए गए हैं, उनका सोर्स दिया गया है। बट डिजीज़ के बारे में भी पूछता है तो डिजीज़ इसमें मिसिंग है, तो एक और चार्ट मिलेगा आपको जिसमें कि आपको डिजीज़ भी दिया जाएगा। तो इसको रट लेना आप, PDF से डाउनलोड करके आप रट लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है फ्रूट्स जो होते हैं स्टोर्ड इन कोल्ड चेम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ। जब आप फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि आप कोई भी फ्रूट लेकर आए, एप्पल, बनाना, आप उसको फ्रिज में रख देते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, जल्दी से ना ख़राब होने का कारण बताइए। बड़ा अच्छा सवाल, अगेन NCERT का सवाल। कारण पहला दिया हुआ है एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरमेंट इज इंक्रीज्ड, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड एंड देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। 4 कारण बताए गए हैं, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है भैया कौन सा है सही कारण जिसकी वजह से फ्रूट्स जो है ख़राब नहीं होते जब हम उनको कोल्ड स्टोर कर देते हैं। तो देखिए सनलाइट से प्रिवेंट हो रहे हैं, क्या ये कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जा रही है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, क्या ये कारण है? ये तो बिल्कुल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, वो फ्रूट्स को ठीक रखने का कारण नहीं है। तो इसका सही कारण है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज। जब प्लांट्स में भी, जो फ्रूट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के बाद एक केमिकल बनता है, वो जो केमिकल होता है उस केमिकल का नाम है इथाइलीन। इथाइलीन नाम का केमिकल बनेगा, ये जो इथाइलीन नाम का केमिकल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग हार्मोन है ये। तो इसकी वजह से जो फ्रूट्स है वो पक जाते हैं। तो जैसे ही आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो इथाइलीन रेस्पिरेशन रुक जाएगा और रेस्पिरेशन की वजह से इथाइलीन नहीं बनेगा। इथाइलीन ना बनने की वजह से फ्रूट जो है जल्दी नहीं पकेंगे, और पकेंगे नहीं तो ख़राब नहीं होंगे। तो यही कारण है रेस्पिरेशन जो है स्लो डाउन हो जाता है। अगला सवाल जो है इस सेट का, इसमें आपसे पूछा जा रहा है राइबोफ्लेविन। देखिए वाइटामिन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं UPPCS ने 2021 में, वाइटामिन से तीसरा सवाल मिल रहा है आपको इसी सेट में। बार बार उन्होंने वाइटामिन से सवाल पूछा, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ये आपसे पूछा जा रहा है। राइबोफ्लेविन, अब आपको ये पता होना चाहिए पहले तो राइबोफ्लेविन क्या है, राइबोफ्लेविन क्या है और वो कौन सी डिजीज करता है। तो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है ये आपको बताना है। स्कर्वी होती है, बिरी होती है, पेलेग्रा होता है या चाइलोसिस होता है, चाइलोसिस बताइए। पेलेग्रा, स्कर्वी, बिरी और चाइलोसिस, कौन सी डिजीज़ जो है वो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से होती है। मैंने आपको बोला था कि वाइटामिन के केस में आपको रटना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, पहले वाला चार्ट भी रटना है, अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन में भी चार्ट दूंगी उसको भी रट लो, यही आपके पास है रटने के लिए। आप PDF जो मैं आपको दूंगी उसको प्रिंट ले लेना, ये वाले 2 चार्ट्स का एटलीस्ट, और उसको अपनी टेबल पे लगा लेना, जो भी जहाँ भी पड़ता है, बेड पे, टेबल पे, जहाँ पे भी उसको लगा लो और उसको आते जाते 2-4 बार पढ़ लो, आपको रट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे रट गया, राइट। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी चाइलोसिस। होता क्या है चाइलोसिस में? ओके बताती हूँ मैं आपको। पहले तो ये वाला चार्ट जो है ये भी देख लेना, यहाँ पे विटामिन्स दिए गए हैं, उनका नाम दिया गया है विटामिन ए रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन होता है B2, इससे हो जाता है एरिबोफ्लेविनोसिस। एरिबोफ्लेविनोसिस में क्या होता है? मुंह में छाले हो जाना, क्रैक्स हो जाना, ये एरिबोफ्लेविनोसिस हो जाता है B2 की डेफिशिएंसी से। इसी को चाइलोसिस कहा जाता है। चाइलोसिस होता है जो फिशर होते हैं माउथ का, वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो ओपनिंग होता है माउथ का वहाँ पे साइड में जहाँ पे फोल्ड होगा वहाँ पे आपको क्रैक्स दिखाई देंगे, दैट इज़ चाइलोसिस। पहला ग्रह जो होता है वो नायसिन की डेफिशिएंसी से होता है। B6 जो होती है पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, उससे पैरेस्थीसिया हो जाएगा। B7 बायोटिन कहा जाता है, उससे डर्मेटाइटिस होता है। B9 फॉलिक एसिड है, जिससे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम की डिजीज होती है। B12 जो होता है उसको साइनेकोबेलामिन कहा जाता है, उससे एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा आप रट लेना चार्ट। दैट्स इट, ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको सवाल सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा। एटलीस्ट आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि कुछ टॉपिक्स होंगे जो कि 5-स्टार इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेट में आपने देखा विटामिंस बहुत इंपॉर्टेंट है। UBPCS ने एक ही सेट में, मतलब एक ही साल में, आप 3 क्वेश्चन जो है विटामिन से पूछ लिए, और अभी तो हम 2-3 सेट और लेंगे इसके, तो आपको समझ में आएगा कि कितने सवाल जो थे किस किस टॉपिक से स्टेट PCS उठा रहे हैं। एंड नॉट ओनली स्टेट PCS, UPSC में भी यही सवाल पूछे जाते हैं। UPSC थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए ये करता है कि वो स्टेटमेंट 4 लगा देगा उसी के बीच में। सवाल मतलब टॉपिक्स वही रहेंगे, स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जाएगा आपकी अलर्टनेस देखने के लिए भी। अभी UPSC क्या करने लगा है ना, देखो एक चीज़ को आप बहुत समझ लो। UPSC करता है CSET, उन्होंने एप्टीट्यूड बोला था, उसका दूसरा पेपर लेंगे हम, वो तो ले ही रहे हैं, साथ में पेपर वन के अंदर एप्टीट्यूड ले रहे हैं। कैसे? पेपर वन के अंदर इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट डालते हैं, नॉट लगा देते हैं, इनकरेक्ट लगा देते हैं, ओनली इस टाइप के स्टेटमेंट लगाते हैं, तो वो आपकी अलर्टनेस चेक करने की कोशिश करते हैं। आपने एक चीज़ को पढ़ लिया, समझ लिया, दैट इज़ फाइन, बट क्या आप राइट सिचुएशन में उसी नॉलेज को सही जगह पे यूज़ कर पाते हैं? दैट इज़ द थिंग UPSC वॉन्ट्स टू चेक इन पेपर वन। तो जो पेपर वन है उसके स्टेटमेंट, जो उसके सवाल हैं, वो बहुत लंबे होंगे, उसमें स्टेटमेंट्स इस तरीके के होंगे, सिंपल स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके लिखा जाएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ लिखा जाएगा, ताकि आपका ब्रेन पजल हो जाए। आपको वो टॉपिक आता होगा, लेकिन पजल होने की वजह से हो सकता है आप उसको सही ना कर पाए। ऐसा इसलिए किया जाता है टू सी दैट ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी देखी जाती है आपके अंदर, कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, नर्वस सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या अपनी नॉलेज का आप सही उपयोग कर पाते हैं। सो दैट इज़ द मोटो बिहाइंड इट। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपकी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़ काइंडली स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू।